मैं पूरी ज़ुर्रियत जो भेरे की है उनको चैलेंज कर रहा हूं कि उस राफजी का क्रेप मैं तुम्हें देता हूं और मुझे जवाब दो तुमने उस खिंजीर को बुलाकर क्या निशाने मंजिल पूछा है। अब जिस जवाद नकवी को इन भेरे वालों ने बुलाया है उस जालिम ने चंद दिन पहले इससे मसला फदक में सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से उसने कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा पे जुल्म किया है। ये जो बीबी के साथ हुआ जुल्म हुआ सितम हुआ बीबी के साथ, जुल्म हुआ सितम हुआ बीबी के साथ। फदक बीबी का मुसलमा हक था जो रसूलुल्लाह ने अता किया था, वो ले लिया गया। ये बीबी के साथ हुआ, ये रवैया बीबी का नहीं था, ये दूसरों ने किया। बीबी से हक छीन लिया, ये बीबी का अमल नहीं था। अगर ये जवाब नहीं दे सकते थे तो उसको एजाज क्यों दे रहे हैं? क्या ये मर गए हैं सारे? हमने जवाब दिया तो वो हमें पड़ गए सारे। और खुद जो जालिम कह रहा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उसको अपने स्टेज पे बिठा के उसकी तकरीर करवा रहे हैं। यानी जुल्म देखो इन लोगों का, क्या दीन है इनका, क्या ईमान है इनका। अगर ऐसे मदारस से बतौर फर्ज 50 करोड़ बंदे भी पढ़ के निकल जाएं तो फायदा क्या होगा अगर उनमें एक भी रजुल रशीद नहीं कि जो निशाने मंजिल में उठ के कहता कि इस कव्वे को तुमने क्यों बुलाया कि जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जालिम कहा है। ये गोलमोल लोग, गोलमोल कई न्योल नुमा खतीब कहते हैं कि अब सुन्नियों में देखो जी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की आड़ में सैयदा फातिमा के खिलाफ बोला जाता है। ओ कुत्तों, कौन बोलता है सुन्नियों में ऐसे? तुमने अज़ाने हक पर यह खबासत शुरू कर दी। खुद गूंगे बोल नहीं सके, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ जो बोले तो हम वो उसका बीजा निकाल दें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दिफा, ये सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ बोलना नहीं है। आज अगर फातिमा जिंदा होती तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ भौंकने वालों को जो वो अजाब देती, दुनिया देखती। न्योल निमा खतीब, बिलों से बाहर निकल आके शैतानों के इशारों पे नाचने वाले इस तरह की बातें करते हैं। मैं पूरी ज़ुर्रियत जो भेरे की है उनको चैलेंज कर रहा हूं कि उस राफजी का क्रेप मैं तुम्हें देता हूं और मुझे जवाब दो तुमने उस खिंजीर को बुलाकर क्या निशाने मंजिल पूछा है। 50 सालों में तो एक बंदा भी तुम में तैयार नहीं हो सका कि जिसको निशाने मंजिल का पता हो। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, कई मरकज ऐसे हैं कि जो हमारे लिए आर और दाग बन चुके हैं और कोई हक बोलने को तैयार ही नहीं। और जो बोलता है उसको ये सारे फिर बैठ के कोसते हैं। इतनी इतनी चोटियां हैं, पिद्दियां खतीबों की सूरत में। और फिर ये जी तकरीरें कर रहे हैं, देखो जी सुन्नियों में अब ये हो गया है। ओ बेगैर तो सुन्नी शुरू से ही फदक के मसले में हजरत ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के मौकिफ को यूं ही बयान करते हैं और रवाफिज को मुंह नहीं खोलने देते। और आज तुम उन रवाफिज की चटनियां और बोटियां और उनके हलवे मांडे खाकर इतने बेगैरत बन गए हो कि उधर बोल नहीं सकते और जो बोला है और वक्त का फर्ज अदा किया है ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा जब मैं तुम्हें गिरबान से पकड़ूंगा और घसीटूंगा। लिहाजा निशाने मंजिल वाले मुझे जवाब दें। अभी मैं बहुत कुछ इन कोर्स के अंदर इनका दिखाऊंगा कि तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। और सिर्फ ये जी हमारे 10,000 फौजला हैं और तुम्हारे करोड़ भी हों, अगर हक नहीं बोलना, हक नहीं बताना और यहां आके डंडी मार जानी है तो उन फौजला का अचार डालना है। उस जवाद नकवी को जवाब नहीं दे सकते थे, उस सैफी अली मलूना को जवाब नहीं दे सकते थे तो कम अज कम जवाब देने वाले के खिलाफ तो ना भौंकते। ये तो खुद तमाशा करना शुरू हो गए। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, इस तरह सब ये उड़ती असेंबलियों पर एक यह भी नहुसत है कि यहां बैठकर इन बेगैरतों ने हमारे खिलाफ वो करारदाद मंजूर की कि जो हमारा जिहाद था और बेगैरत पीरों ने उस पर फिर करारदादें उसके खिलाफ मंजूर करवाएं। हमें तो जेल भी अल्लाह के फजल से एक रहमत का संदेशा है, लेकिन इन्होंने क्या किया?